नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शनिवार व्रत की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ, लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे कि शनिवार का व्रत किन लोगों को करना चाहिए, किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है शनिवार का व्रत करने से, कब कैसे शुरू करना है, क्या नियम होते हैं, पूरी चीज़ों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और एक बार हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अपने चैनल पे सभी आने वाले त्योहारों से संबंधित, चाहे पूर्णमासी, एकादशी, प्रदोष हो, सभी पूजा विधियां जो है करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शनिवार का व्रत जिन लोगों की कुंडली में साढ़े साथी का कुप्रभाव होता है, अढ़ैया का कुप्रभाव होता है, उन लोगों को शनिवार का व्रत शुरू करना चाहिए। इसके अलावा भी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन लोगों की जिंदगी में जो है परेशानियाँ पीछा ही नहीं छोड़ रही, एक के बाद एक परेशानी जीवन में आती ही जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम यानी कि किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में सफल ही नहीं हो पाते, हमारा काम दिनों दिन मतलब हम नीचे ही गिरते जाते हैं, ऊपर हमें किसी भी प्रकार में जो है कोई संभावना नजर नहीं आती है एक लंबे समय के लिए। तो ऐसे समय में हमें पंडित जी की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए और पंडित जी की सलाह लेने के बाद शनिवार का व्रत शुरू जरूर करना चाहिए। अगर बात की जाए कि शनिवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, तो सावन का महीना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है शनिवार का व्रत शुरू करने के लिए। तो अगर आप सावन के महीने से शुरू कर सकते हैं तो सावन के महीने से आप शनिवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप सावन से शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से पहले शनिवार से शनिवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। बात की जाए कि कितनी संख्या में करना चाहिए, तो आप कम से कम 7 की संख्या में कर तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि शनिवार के व्रत 33 की संख्या में किए जाएं। तो आप 33 की संख्या में शनिवार के व्रत करें और 34वें शनिवार व्रत का उद्यापन करें। और शनिवार के व्रत वैसे आप जैसे अगर सावन में केवल रहना चाहते हैं तो सावन में जितने शनिवार पड़ते हैं आप उतने व्रत भी शनिवार के कर सकते हैं, और या फिर आप एक वर्ष तक भी कर सकते हैं। तो विधिवत रूप से जो है शनिवार व्रत कीजिए, इसके बाद उद्यापन कीजिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि व्रत के उद्यापन के लिए किसी भी अच्छे पंडित को ज़रूर बुलाएं, क्योंकि व्रत की सफलता व्रत के उद्यापन पर ही निर्भर करती है। तो विधि विधान से उद्यापन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शनिवार के व्रत में आपको स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाने के बाद सबसे पहले व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद आपको शनिवार के इस व्रत में पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष ही महत्व होता है, यानी कि पीपल के वृक्ष की पूजा अनिवार्य होती है। तो पीपल के वृक्ष में आप जल अर्पित करें, अक्षत चंदन पुष्प इत्यादि अर्पित करें और इसके बाद एक कच्चा सूत लेके आपको 7 परिक्रमा जो है पीपल के वृक्ष की लगानी चाहिए, यानी 7 बार कच्चा सूत आपको पीपल के वृक्ष में लपेटना है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष के अलावा आप समी के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं अगर पीपल का वृक्ष आसपास नहीं हो तो, और साथ ही साथ आप सरसों के तेल का दीपक भी पीपल के वृक्ष के पास जला सकते हैं। और पुरुष भाई जो है शनिवार के इस व्रत में हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा से भी जो है शनि देव के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। शनिवार के इस व्रत में हनुमान जी की भी पूजा विशेष महत्व रखती है। इसके अलावा शनिवार के इस व्रत में भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है, तो आप भगवान भोलेनाथ की भी पूजा कर सकते हैं अगर आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, क्योंकि शनिदेव की मूर्ति की स्थापना घर के अंदर नहीं की जाती, इसलिए घर के आसपास जो भी शनिदेव के मंदिर हो, मंदिर ना हो तो आप पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए, लेकिन घर के अंदर शनिदेव की मूर्ति स्थापित नहीं की जाती है। इसीलिए हमने नवग्रह में जैसे शनिदेव के प्रतीक का आकार बनाया जाता है, इसी प्रकार हमने तिली से जो है शनिदेव के आकार का प्रतीक बनाया है और उन्हीं से हमने शनिदेव की पूजा की है। तो ये जो पूजा विधि हम बताने जा रहे हैं ये अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है पीपल के वृक्ष की पूजा, लेकिन अगर पीपल का वृक्ष आसपास नहीं है, बहुत ही कठिनता में है आप, तो इस प्रकार से जो है कथा वाचन जो है आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, जैसा कि हम आगे पूजा विधि बताने वाले हैं। बात करें शनिवार व्रत के और कुछ नियमों की, तो शनिवार के इस व्रत में भोजन में नमक पूर्णता वर्जित होता है। आपको शनिवार के इस व्रत में काली उड़द से बने भोज्य पदार्थों को इस्तेमाल में लाना चाहिए।
काली उड़द की दाल आप किसी भी रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, चाहे तो आप लड्डू बना सकते हैं उड़द की दाल का, चाहे तो आप हलवा बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो चावल में मिला के, यानी कि उड़द की दाल और चावल मिला के जो है खिचड़ी खा सकते हैं। लेकिन नमक वर्जित होता है तो आप प्लेन खिचड़ी खा सकते हैं। इसके अलावा आपको काली तिल के लड्डू खाने चाहिए। काली तिल और उड़द की दाल को ज़्यादा उपयोग में लानी चाहिए। और अगर आप उड़द की दाल या फिर तिली वगैरह उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, संभव नहीं है, तो आप रोटी भी खा सकते हैं, रोटी गुड़ वगैरह खा सकते हैं। इसके अलावा शनिवार के इस व्रत में आपको काली चीजों को उपयोग में लाना चाहिए। आप काली चीजें दान कर सकते हैं, छाता वगैरह दान कर सकते हैं, काला भोग अर्पित कर सकते हैं भगवान शनिदेव को, काली चीजें भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तरह से कुछ नियमों का पालन करते हुए आप शनिवार का व्रत कर सकते हैं। तो शनिदेव मंदिर में जाके शनिदेव की पूजा कीजिए, तेल से उनका अभिषेक कराइए, तेल दान कीजिए और पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए। लेकिन पीपल का वृक्ष जो है आप घर में मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पौधे की पूजा नहीं करनी है बल्कि वृक्ष की पूजा करनी है। और पीपल का वृक्ष भी है जो घर के अंदर नहीं लगाया जाता है, और संदेह की भी मूर्ति स्थापित घर के अंदर नहीं की जाती है। तो आप जो है जैसे हम पूजा विधि बताने जा रहे हैं उस प्रकार से आप कर सकते हैं, या फिर आप घर के बाहर स्थापित कर सकते हैं संदेह की मूर्ति। तो चलिए पूजा विधि देखते हैं क्या क्या चीज़ें तैयारियाँ करनी है। तो पूजा की तैयारी में एक लकड़ी के पाटे के ऊपर हमें काले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए सभी देवी देवताओं को आसन देने के लिए, क्योंकि शनि देव की पूजा है तो सारी चीज़ें काली ही प्रयोग में लानी चाहिए। और इसके बाद हमें अष्टदल कमल बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल बनाने के लिए काली उड़द की दाल ली है। आप इसके स्थान पर काली तिल ले सकते हैं, या फिर चावल को काले रंग से रंग सकते हैं, या फिर सिंपल चावल से भी आप बना सकते हैं। कलश स्थापना के लिए कलश में जल डालने के बाद हल्दी, चावल, फूल और दक्षिणा वगैरह डालने के बाद आम के पत्ते लगाइए। उसके ऊपर भी हमने काली उड़द की दाल कटोरी में आखत के रूप में रखी है। इसके बाद गौरी गणेश की स्थापना के लिए पान के पत्ते के ऊपर सुपाड़ी में मौली धागा बांधकर गणेश जी की और गोबर से हमने गौरी माता का निर्माण किया है। यहाँ पर कलश और गौरी गणेश की स्थापना हो चुकी है। अब आगे हम शनि देव के रूप में या फिर शनि ग्रह के प्रतीक के लिए आकार बनाएंगे। यहाँ पे हमने शनि देव की फ़ोटो या फिर मूर्ति नहीं रखी है, हमने यहाँ पे काली तिल का प्रयोग किया है। काली तिल से हमें इस प्रकार से दो ढेरी लगाते हुए धनुष के आकार के रूप में शनि देव का प्रतीक बनाना है, क्योंकि शनि देव की मूर्ति या प्रतिमा घर के अंदर स्थापित नहीं की जाती है। इसलिए या तो अगर किसी की बहुत ही इच्छा है तो घर के बाहर शनिदेव की स्थापना की जाती है, या फिर पीपल के पेड़ में शनिदेव की पूजा इस व्रत में की जाती है। तो यहाँ पर धनुष के आकार के रूप में हमने जो है शनिदेव का प्रतीक बना लिया है। पूजा की पूरी तैयारी हो जाने के बाद अब हम सबसे पहले अपने आप को पवित्र करेंगे। तो कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए पवित्रीकरण कीजिए और इसके बाद आचमन करना चाहिए। आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआना होता है, लेकिन अगर आप व्रत हैं तो पानी नीचे गिरा सकते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिए। हाथों को अच्छी तरह से पोंछने के बाद दीपक प्रज्वलित कीजिए और इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में आपको बोलना है कि मैं, अपना नाम बोल लीजिए, शनि ग्रह की शांति हेतु या फिर शनि देव की प्रसन्नता हेतु या फिर जो भी आपकी मनोकामना हो, मैं इस कामना की पूर्ति के लिए, अगर आपकी व्रतों की संख्या अनिश्चित है तो आप ऐसा बोलेंगे कि मैं इस कामना की पूर्ति के लिए यथाशक्ति यथासंख्या शनिवार व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। और अगर आपके व्रतों की संख्या निश्चित है तो आप इस तरह बोलेंगे, मैं इस कामना की पूर्ति के लिए इतने संख्या के शनिवार व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। इस प्रकार से बोलते हुए चावल फूल गुच्छा भगवान के पास छोड़ दीजिएगा। शनिदेव की पूजा आपको सुबह के समय ही करनी होती है। तो पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लेना चाहिए। आवाहन के लिए हाथ में
चावल फूल लेकर सबसे पहले भगवान श्री गणेश और इसके बाद माता गौरी का आवाहन करेंगे। आवाहन में बोलना है कि हे श्री गणेश, हे माता गौरी, शनिवार व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ विराजे, हमारी पूजा स्वीकार करें, व्रत के सभी विघ्नों को दूर करें। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। श्री गणेश अंबिकाम आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि। और इसके बाद अब कलश में आवाहन करेंगे, हे कलश के सभी देवी देवताओं, कलश में विराजमान हो, हमारी पूजा स्वीकार करें। बोलते हुए चावल फूल सभी देवी देवताओं के ऊपर छोड़ दीजिएगा और इसके बाद चावल फूल पुनः लेकर हम शनि देव का आवाहन करेंगे। बोलेंगे, हे शनि देव, शनिवार व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके यहाँ विराजें और हमारी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलते हुए चावल फूल उनके पास छोड़ दें। ओम शम शनिश्चराय नमः। और अब आवाहन के बाद पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है, माता गौरी का। तो ओम श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। जल से स्नान कराएंगे, स्नानार्थम जलम समर्पयामि, कलश में भी जल अर्पित करेंगे। और इसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है जनेऊ। तो अगर जनेऊ ना हो तो कच्चा सूत आप अर्पित कर सकते हैं 6 फेरी लगा के। इसके बाद वस्त्र स्वरूप मौली धागा आप अर्पित कर सकते हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं। कलश में भी जनेऊ अर्पित करना चाहिए, वस्त्र स्वरूप वस्त्र की भावना करके मौली धागा अर्पित कर रहे हैं। हल्दी लगाएंगे माता गौरी को, भगवान श्री गणेश को। कलश में सिंदूर भी ज़रूर अर्पित करना चाहिए माता गौरी को। तो गौरी गणेश और कलश में हल्दी कुमकुम लगाने के बाद हम भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे, दूर्वा चढ़ाएंगे। और इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे माता गौरी को, हम लाल फूल चढ़ाएंगे और कलश में भी पुष्प इत्यादि अर्पित करेंगे। और अगर पहले दिन की पूजा हो और उद्यापन वगैरह की पूजा में माता गौरी को आप श्रृंगार का सामान भी ज़रूर अर्पित करें, कम से कम प्रथम दिन और उद्यापन के दिन ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो जो भी आपके साथ पास श्रृंगार की सामग्री हो आप अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद अब हम भोग लगाएंगे। तो शनिदेव की पूजा में ज़्यादातर चीज़ें काली उपयोग की जाती हैं, तो जो भी व्यवस्था हो काले चीज़ों से बने भोग की, तो यहाँ पे हमने काले तिल के लड्डू और कुछ चीज़ें अर्पित की हैं। फल मिठाई नैवेद्य सब चीज़ें अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद कुश की मदद से जल ज़रूर फेरना चाहिए। तो जल फेरने के बाद अब हम धूप दीप करेंगे। तो आप धूप बत्ती जला सकते हैं या फिर दीपक जलाकर भी प्रत्यक्ष रूप से दीप कर सकते हैं। तो गौरी गणेश और कलश की पूजन के बाद अब हम शनिदेव की पूजा करेंगे। सबसे पहले उन्हें जल से स्नान कराएंगे, कुश की मदद से जल अर्पित करेंगे। तो पाद्यम आचमनम अर्घ्यम स्नानम समर्पयामि, इस प्रकार से जल अर्पित करने के बाद हम जनेऊ अर्पित करेंगे, यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत की 6 फेरी लगा के भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा हमें काला वस्त्र अर्पित करना चाहिए। काला वस्त्र नहीं हो तो आप वस्त्र स्वरूप जो है काला धागा भी अर्पित कर सकते हैं। चंदन लगाएंगे और अक्षत स्वरूप हमने यहाँ पे काली तिल अर्पित की है। इसके बाद हम शमी पत्र अर्पित करेंगे। भगवान शनि देव को शमी पत्र ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और इस व्रत में शमी वृक्ष के पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर पीपल का वृक्ष उपलब्ध नहीं हो आसपास तो आप शमी वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीले पुष्प अर्पित करना चाहिए भगवान शनि देव को, या फिर जो भी उपलब्ध हो आप वही पुष्प अर्पित करें। तो इसके बाद फल मिठाई नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। जो भी आपके पास भोग उपलब्ध हो, काली तिल से बने लड्डू आप भोग लगा सकते हैं या उड़द की दाल की चीज़ों से बने भोग लगा सकते हैं। चना गुड़ भी ज़रूर भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद कुश की मदद से जल ज़रूर फेरिएगा। इसके बाद हम भगवान शनिदेव को पान सुपारी नारियल दक्षिणा इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। तो नारियल किस प्रकार से अक्षय चंदन से थोड़ा सा टीक पूज लें, इसके बाद जो है नारियल आप अर्पित कर दें। और सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद जैसा कि धूप दीप किया जाता है तो धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद हम कथा पुस्तक की पूजा करेंगे। अक्षर चंदन पुष्प इत्यादि से कथा पुस्तक की पूजा करें, कथा वाचन करें हाथ में चावल फूल लेके। कथा वाचन करने के बाद अग्नि प्रज्वलित करके, अग्नि के प्रत्यक्ष दर्शन करके अग्नि की पूजा कीजिए। अक्षर चंदन पुष्प से जल घुमाते हुए और अग्निदेव की पूजा करने के बाद जो है आपको आहुतियाँ देनी चाहिए। सबसे पहले आप ओम श्री गणेश
शिवाय स्वाहा, ओम गौरी देव्याय स्वाहा, ओम शम शनश्चराय नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप आहुतियाँ दे सकते हैं जितनी भी आपकी इच्छा हो। और इसके बाद आरती की तैयारी करेंगे, आरती थाल की जल घुमाते हुए अक्षर चंदन पुष्प इत्यादि से पूजा करेंगे और इसके बाद आप विधिवत रूप से शनिदेव की आरती गा सकते हैं। यहाँ पे कॉपीराइट लग जाता है इसलिए हम आरती अक्सर नहीं गाते हैं। तो आरती करें विधिवत रूप से, अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा की जाती है तो प्रदक्षिणा करें और इसके बाद आप क्षमा याचना करें कि हे शनिदेव, जो भी पाप हो गए हों या फिर पूजा पाठ में गलतियाँ हो गई हों, आप उन्हें क्षमा करें, हमारी पूजा स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जो है हमारे सारे संकटों को आप हर लें। इस प्रकार से प्रार्थना करें, जो भी मनोकामना हो आप मनोकामना मांगें। और इसके बाद लास्ट विधि जो होती है, अपने आसन के नीचे जल डालकर और माथे पे ज़रूर लगा लें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। तो इस प्रकार से शनिदेव की पूजा पूरी होती है। पूजा पूरी हो जाने के बाद भगवान को विदा करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे सभी देवी देवताओं, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए और जहाँ से आप आए हैं अपने अपने धाम को पधारिए। इस प्रकार से बोलते हुए जिस पाटे पे आपने उनको आसन प्रदान किया था वो पाटा पूरा आपको पीछे खिसका देना है। सभी देवी देवताओं के आसन को थोड़ा सा पीछे खिसका कर सभी देवी देवताओं को विदा करना है। विदा करने के बाद जब भी आपका कलश शांत हो जाता है, दीपक शांत हो जाता है, यानी दीपक बुझ जाता है, तब आप पूरी पूजन सामग्री को जल में विसर्जित कर सकते हैं। आप नदी, तालाब, कुएं में विसर्जित कर सकते हैं। यदि ये सारी चीज़ ना हो तो आप घर में ही जल में विसर्जित कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी गमले में डाल दीजिएगा या फिर जहाँ पे भी पैर ना पड़े किसी का वहाँ पे डाल दीजिए। फूल वगैरह के जड़ में आप डाल सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो कुछ अन्य वगैरह होते हैं, जैसे कि काली तिली, उड़द की दाल हो जाती, चावल हो जाते हैं, तो ये जो चीज़ें अच्छी हैं वो आप अच्छे प्रकार से साफ़ कर के पंडित जी को दान कर सकते हैं, किसी को भी दान कर सकते हैं। और अगर पंडित जी को दान देने लायक नहीं है, जैसे कि चंदन लग जाता है, कलर वगैरह लग जाते हैं चावल वगैरह में, तब आप ऐसी चीज़ों को चिड़ियों को खिला सकते हैं, मछलियों को खिला सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं या फिर जल में आप विसर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार से विसर्जन विधि भी पूरी होती है। तो ये थी शनिवार व्रत की पूजा विधि और नियम। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। बेल आइकन पर प्रेस करने से मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।